हेलो गाइस, मैं हूं आपका कुलदीप। आप देख रहे हैं कैसी माइंड यूट्यूब चैनल। और आज हैं हम चित्तौड़गढ़ के प्लेटफॉर्म पे, और आज की जो यात्रा हम कर रहे हैं वो है चित्तौड़ टू मथुरा। तो चलिए, ट्रेन आ गई है तो पहले बोर्डिंग कर लेते हैं, फिर बना पाए। पापा, गाड़ी का डिपार्चर वन टाइम हो चुका है, तो इसका अगला स्टॉप है कोटा है। इसमें छोटे मोटे स्टेशन पर रुकेगी, पर मेन स्टेशन अपना कोटा है। इस कोच की बात की जाए तो ये है V6 जो कोच है, ये है 3rd AC कोच जो अभी एनी हाउम लिए ब्लॉक में है। तो दिखाता हूँ इसका इंटीरियर कैसा है। पहले तो अभी भी इसमें कटिंग मिल रही है, तो दोनों साइड लवर एंड, तो काफी यात्री यहाँ पे अभी सफर कर रहे हैं ऑन बोर्ड। अगला स्टॉप है कोटा है शायद इसका। 1-2-9-6-4 गाड़ी नंबर जो है इस गाड़ी का जो है मेवाड़ एक्सप्रेस तोड़कर से रवाना होती है गाड़ी। चलिए, अगला स्टॉप है इसका कोटा है, नॉन स्टॉप गाड़ी है, तो रात को इसकी होगा। चलते हैं अब अपनी सीट पे, देखते हैं इसकी आगे का ब्लॉक। एसी में तो क्लियर नहीं आ रहा था, पर बाहर बहुत सारी सर्दी भी गिर रही है, तो जो अभी आप हल्की सी रोशनी देख रहे हैं वो फ्लड टेबल में आपको बताता हूँ। ये हिंदुस्तान जिंक प्लांट है। हम पहुँच चुके हैं अभी मथुरा जंक्शन, और ये इसका एंट्रेंस गेट है। तो यहाँ पे बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर भी एक लाइन जारी है, ये भी एक लाइन है, तो अपोजिट, तो काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो कई दिल्ली वाली लाइन भी है, तो मतलब बड़ा कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहता है, पर हाँ भाई बस हो जाता है। तो ये छोटा सी, तो गुड मॉर्निंग बेटा, हम पहुंच चुके हैं मथुरा, और आज का ब्लॉग स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि अभी हम सुबह 4-4:30 बजे समथिंग मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं, और उसके बाद आगे का शेड्यूल ये रहेगा कि हमने कोई गाड़ी कर की है वो गाड़ी वाला आएगा, उसके बाद हम जाएंगे वृंदावन। तो मिलते हैं इस ब्लॉग में, बने रहे इस बार हमारे साथ, मेरे साथ। तो ये मेरा पूरा ग्रुप है, तो इन सबको ले जा रहा हूँ, तो बने रहे मेरे साथ पूरा इस ब्लॉग में। कोशिश करूँगा कि आप पल पल के अपडेट में आपको इस बात देता रहूँ। हम गाड़ी वाले का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, फिर वो आएगा और हमें यहाँ से पिक करने की उसने कहा था। आप गाड़ी का ऐसा है कि आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं, या फिर ऐसा बॉन रख सकते हैं, या तो फिर उसके बाद आप रखो यहाँ पे, या तो जैसा भी है, दोनों सुविधा अपने पास है। तो यहाँ बाहर निकलते आपको बहुत सारे ऑटो स्टैंड मिल जाएंगे, ऑटो वाले बहुत सारे हैं, तो इस बार देखते हैं। तो हम अभी स्टेशन से निकल गए हैं, टैक्सी आ गई थी, और अभी हम अभी यमुना जी के घाट पर जा रहे हैं। वहाँ से देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं, पर अभी हम यमुना विश्राम घाट जा रहे हैं। और ठंड बहुत, सुबह सुबह की जो ठंड होती है दोस्तों वो काफ़ी यहाँ पे ठंड है, तो मतलब मॉर्निंग में काबर सुबह शाम जो ठंड पड़ रही है ना वो बहुत है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ग्लास पे किस तरह से यहाँ पे ठंड है, यहाँ पे लग पड़ रही है, देखिए कुछ दिख भी नहीं रहा है। और
बात की जाए कि सुबह की 4-5 बज रही है तो, और जो मैं आपको कह रहा था ना अंकल ट्रेन, ये रही रेल बस, ये रही यहाँ खड़ी है। कितने बजे चलती भैया ये? 8:30 रुकती हुई आवत है, प्राणी को भी रोकेगा वो बस की तरह। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे थे तो इंटरेस्ट करते थे, अभी रेल बस की जो फैसिलिटी है बिल्कुल स्टेशन के पास है, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वहाँ निकलते ही आपको अगर रेल बस से जाना हो टैक्सी बहुत सारी मिल जाएगी आपको ऑनलाइन। मैं पवन का लिंक भी नंबर भी आपको इस लिंक में दे दूँगा कि अगली बार जब भी आप मथुरा आओ तो टैक्सी आपके लिए है यहाँ पर अवेलेबल। तो अब जर्नी की बात की जाए तो कितना किलोमीटर भैया यहाँ से द्वारकाधीश जी? हाँ मथुरा, ये वृंदावन 15 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है रेलवे स्टेशन से एग्जिट बात की जाता है। और इसके 3 एंट्रेंस गेट हैं तो कंफ्यूजन ना हो जहाँ पे भी हो किसी टैक्सी वाले से या फिर किसी से भी आप इस चीज़ के पूछ सकते हैं कि ये कौन सा एंट्रेंस गेट है। अगर आप पहली बार मथुरा आ रहे हो तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि इसके 3 एंट्रेंस गेट हैं, किधर भी आप निकल सकते हैं। तो और हमने आपको बताया जो लंबा सा एक रास्ता पीछे की साइड में से एक लंबा रास्ता जा रहा था तो वो लंबा रास्ता भी मतलब वो काफ़ी प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जो कम से कम 24-15 मतलब कितने प्लेटफॉर्म होंगे भैया अंदाजन यहाँ पे? नो प्लेटफॉर्म है। तो अभी क्वालिटी से समझौता कीजिएगा क्योंकि यहाँ लाइट अभी शाम की अभी चाय यहाँ पे बज रही है, 5 सुबह की 5 बज चुकी है तो यहाँ थोड़ा सा अभी अंधेरा है, सर्दी भी गिर रही है की बोल नहीं सकते। और अभी ये जो लाइट चल रही है गाड़ी की उससे थोड़ा मेरी शक्ल बड़ी काली सी नज़र आ रही होगी आपको इस बात पे, तो थोड़ा सा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा इस पर। तो क्योंकि मैं पूरा ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि रात को जब हम चित्तौड़ से चले थे तो सबका कोच अलग अलग था, सामान भी थे, फैमिली भी थी, तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम थी तो रात को कंटिन्यू ब्लॉग मैं बना नहीं पाया, पर कोशिश करूँगा कि ये ब्लॉग इस बार कंटिन्यू आपके लिए ब्लॉग बना पाऊँ। ये वेक सीरीज मान लीजिए वृंदावन 3 दिन का है ट्रिप मेरा, तो ये 3 दिन आपके लिए पल पल का अपडेट मैं इस बार मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस बार अपडेट देता रहूँ, ठीक है। और अमन अब यहाँ से निकल गए हैं बाहर मेरे स्टेशन से, मैं आपको ये देखिए ये यमुना एक्सप्रेस वे और जिला कृष्णभूमि वृंदावन 13 किलोमीटर कुछ चौरा टाइप है। कुछ कंफ्यूजन के बाद ये जो चौराया आप देख लो इससे चौराहे से अपन इस साइड जाएंगे तो इस साइड और बस स्टैंड कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन। तो अभी कहाँ जा रहे हैं भैया? आप द्वारकाधीश जी चल रहे हैं, द्वारकाधीश जी ठाकुर जी में मंदिर जो मेन पॉइंट है मथुरा जी में। हाँ द्वारकाधीश जी, द्वारकाधीश जी के मंदिर अभी हम जा रहे हैं, जो मेन टेम्पल है ना वृंदावन में, मथुरा में, सॉरी मथुरा में वृंदावन जी नई जानकारी एक और कि ये जो मार्केट है ये मथुरा का मेन मार्केट है और हम जा रहे हैं द्वारकाधीश जो मंदिर है वहाँ पे मथुरा में सुबह सुबह पहले दर्शन, क्योंकि गाड़ी इतनी आती है तो पुलिस गाड़ी की ट्रीट और सब कुछ हो जाती है सुबह सुबह तो पुलिस मिल ही जाती है। तो ये देख लीजिए मथुरा का मेन मार्केट सुबह सुबह खुल जाता है। दिन में तो आना इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे भी आने का साधन क्या रहता है भैया? अगर कोई दिन में आता है तो फिर ये रिक्शा से आता है, ई-रिक्शा। ओके ई-रिक्शा से आप आ सकते हो, काफी दूर पार्किंग हो जाती है कार मोटरसाइकिल से, सॉरी
गाड़ी बाहर खड़ी हो जाती, टैक्सी की पूरी पार्किंग बाहर हो जाती है पूरी। और ये जो ये अपन चल रहे हैं ना, ये पूरा रास्ता जो देखते हैं इस ब्लॉक में, पूरा ये है सिटी बतूरा का पूरा मेन मार्केट जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी छोटी छोटी गलियां काफी छोटी सी गलियां है यहाँ पे है, जो दिन में तो आना मुझे पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें बहुत पब्लिक रहता है यहाँ। दुकान दिन में गाड़ी थोड़ी आती इधर। अभी कहाँ चल रहे हो भैया? तो हम अभी सुबह सुबह पहुँचे हैं यमुना जी के घाट, तो चलते हैं यमुना जी की आरती हो रही है तो देखते हैं कि इधर इधर भैया स्नान तो क्या है, पानी डालने का सुबह सुबह। चलो यमुना जी के दर्शन करते हैं, यमुना मैया। और ये है द्वारकाधीश का मंदिर, विश्राम घाट है। ओके विश्राम घाट, ओके चलो जाओ। उधर देखो भैया, उधर सूफे में निकल चलो, उधर आराम से अपना सामान रखो, एक एक दूध। तो आप देख लीजिए सुबह सुबह, तो बोलो यमुना मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय। तो सुबह सुबह आरती हो रही है यमुना जी की, तो एक बार आप देख लीजिए ब्लॉग में कि यमुना जी की आरती बता पा रहा हूँ। अभी आपने देखा था कि यमुना जी की सुबह की आरती आपने देख ली है इस ब्लॉग में, और हम इस बार सोलो ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, हमारी इस बार हमारी बाइक भी स्ट्रोलर ट्रेवल कर रही है, और हमारे साथ हमारे दोस्त मिलो भी हैं, तो बच्चे भी साथ में, फैमिली भी है पूरी साथ में। कोशिश करूंगा कि पल पल की अपडेट इस बार मैं आपको ब्लॉग में बनाता रहूँ, थोड़ी सी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज देकर, कि सुबह सुबह का वक्त है और सुबह से कुछ नहीं हुआ है, तो करते हैं बनाते हैं चलते। तो अभी हम शूज खोलते थे, शूज बहुत गीला है, तो एक और देखते हैं कहीं और जगह खोलते हैं। तो मैं शूज यहाँ खोल देता हूँ, और पहले अपन शूज खोल लेते हैं, फिर इसके बाद वहाँ जाते हैं यमुना जी के। सुबह सुबह तो नहाने का तो नहीं है, पर पानी के छटे मारने के मात्र मात्र से हो सकता है, तो अपन लो भैया जी। ओ जय हो जय हो जय हो जय हो। तो सुबह सुबह यमुना जी के होता है, तो हमने ये करा, तो यहाँ पे पुजारी जी भी है, पूजा भी अर्चना यहाँ पे चलती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ
गांव की भी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस बात पूरा, तो यहाँ आप आइए। सबसे पहले तो यहाँ पे आप नहा धो के स्नान करके फिर मंदिर के दर्शन कीजिए। तो आइए करते हैं पूरा ब्लॉग। देखिए हल्का हल्का भाव है, मतलब अभी भी सर्दी में सुबह सुबह यमुना जी में पानी बह रहा है, ठीक है। और सामने की साइड में मैं देख रहा हूँ ना, तो बहुत सारी नाव ही नाव है जो उस पार है, अंधेरे में नहीं दिख रही होगी। तो ये है, आइए। और तेरा फैमिली यहाँ पे पूजा करवा रही है। पूजा करवाने के बाद आज के दिन की शुरुआत, चलो आरती करते हैं। अभी हमने यमुना जी की है बस आरती, आरती करने के बाद यहाँ से अब द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। तो यहाँ से अब चलते हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने। सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ पे, आपको सुबह सुबह तो एक दो वोट मिल ही जाती है जो आपको यहाँ पे दर्शन कर। आरती में चढ़े तो जूता करती मेरी में। ये मंडी प्रांगा और दर्शन का जो भी है यहाँ पे है, तो दर्शन करते क्योंकि बट अभी थोड़ी देर बाद खुलेंगे। यहाँ ज़्यादा वो लोग नहीं आए, अभी पट बंद है। द्वारकाधीश जी का मंदिर है और ऊपर आप कलाशी देखो तो बहुत सारी अच्छी नक्शी बनी हुई है, काफी पुराना मंदिर लगता है। ऊपर काफी सारी नक्काशी आ रहे हैं और काफी लंबा चौड़ा प्रांगण है, तो यहाँ से आगे तक का काफी लंबा चौड़ा प्रांगण है। तो सब आरती की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी कुछ चल रहा है यहाँ पे तैयारी में, तो कोशिश कर रहे हैं हो जाएगा दर्शन करवाते होंगे। देखिए खुलने की बात की जाए तो ये मंदिर 6:30 बजे खुलता है, तो बस अब देखते हैं दर्शन करके यहाँ से निकलते हैं। Thank you.
दाकरिश की परिक्रमा, यहाँ से हम दाकरिश की परिक्रमा कर रहे हैं। हमने अभी द्वारकाधीश के दर्शन कर लिए। द्वारकाधीश मंदिर के पास में ही फेमस शॉप कृपा कचौरी, और कचौरी गर्म गर्म निकल रही है। कचौरी खा के फिर यहाँ से आगे चलते हैं, और उसके बाद भी तो महाराज जी नहीं आए, 5 या 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। ये मार्केट भी खुल जाएगा, भीड़ भी पड़ेगी। जस्ट द्वारकाधीश मंदिर के पास है रूपा कचौरी वाली दुकान। तो अभी हमने रूपा कचौरी पर नाश्ता किया, लोकेशन आपको बता दी। अब सीधा चलते हैं यहाँ से वृंदावन। तो यहाँ पे क्या द्वारकाधीश के दर्शन भी मैंने आपको बता दिए हैं, यमुना जी के दर्शन भी हो गए। अब चलते हैं सीधा वृंदावन पर के बिहारी लाल की जय। तो अभी सुबह का नज़ारा मार्केट का, तो इस तरफ में तो अभी पहुँचे हम कृष्ण जन्मभूमि। सामान जमा कराते हैं। हाँ कैमरा है, सामान ही जमा कराना पड़ेगा, यहीं खरीद लो जो भी है। तो हम अभी कृष्ण भूमि के दर्शन करके वापस वृंदावन की ओर जाएंगे। अभी वृंदावन, यहाँ से वृंदावन जाना है, तो बहुत लेट हो चुके हैं। शायद वृंदावन में भी एंट्री बंद हो जाएगी, तो गाड़ियाँ एंट्री नहीं हो पाती है। चलते हैं जल्दी से वृंदावन। हम अभी कृष्ण भूमि के दर्शन करके वापस वृंदावन की ओर जाएंगे। अभी वृंदावन, यहाँ से वृंदावन जाना है, तो बहुत लेट हो चुके हैं। शायद वृंदावन में भी एंट्री बंद हो जाएगी, तो गाड़ियाँ एंट्री नहीं हो पाती है। चलते हैं जल्दी से वृंदावन। पार्टो में है, तो प्लीज इसका क्या है कि चित्तौड़ से वृंदावन जा रहे हैं थोड़ा कृष्ण भूमि तक का, ये 8 किलोमीटर दूर जनवन पे। अगले मिलते हैं अगले ब्लॉक में, और अगला ब्लॉक जो है वृंदावन का देखते रहे। सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज लाइक।